गुड नाइट एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। और आज हम वीडियो बहुत लेट बना रहे हैं, पता नहीं कितने लोगों को फायदा होगा है या नहीं होगा, पर जो लोग सुबह देख सकते हैं वो लोग देख सकते हैं। एटलीस्ट तीन चार लोग भी देख लें और उनको फायदा होता है तो इट वुड बी ए बेनिफिशियल स्टफ फॉर मी। मैं इतना लेट में वीडियो बना रहा था, क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि थोड़े काम मेरे जा रहे थे आज, पर ठीक है, दैट्स ओके। हम यस्टरडे की व्यू नहीं करेंगे, वीडियो आज बहुत ही छोटा रखेंगे, क्योंकि हमने जो वीडियो दिया था, व्यू जो दिया था फ्राइडे को, एवरीथिंग वाज बैंग ऑन, एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द लेबल टू मूवमेंट, राइट, ब्लैक लेबल, तो सारी चीज़ें हमारी परफेक्ट थी फ्राइडे की। जनरली मेरी फ्राइडे चीज़ें परफेक्ट नहीं होती है, बट इट इज़ वेरी रेयर कि ये फ्राइडे एक्चुअली हर एक चीज़ परफेक्ट हो गई। सो दैट वॉज अ वेरी गुड थिंग दैट हैपेंड। तो रिव्यू कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गलत कुछ चीज़ था ही नहीं, नॉट ए सिंगल व्यू वेंट रॉन्ग फॉर फ्राइडे वीडियो। ओके, तो डिस्कस हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा हम मंडे की तरफ जाएंगे। मंडे जो हम देख रहे हैं, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली सेंटिमेंट के बेसिस पे मार्केट चलेगा। मेरा जो व्यू है, अगर आप फ्राइडे को देखोगे, मैंने क्लियरली बोला था ये बियरिश टू कंसोलिडेशन व्यू है, उसी व्यू के बेसिस पे हमने बहुत सारे ट्रेड लिए। बट मंडे का जो व्यू है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट ऊपर है, डाउ जोन्स दो दिन से ऊपर जा रहा है और ये लोग नीचे जा रहे थे मार्केट, ठीक है, तो मुझे जो लगता है ये थोड़ा सा ऊपर शायद कल करेगी, ऐसा नहीं कि पूरा हवा में उड़ेगा। देयर आर टू सिनेरियोस इन विच मेरा ओवरऑल व्यू तो फिर भी कंसोलिडेशन का ही है, एंड ये व्यू है कि ये बड़ा डाउन नहीं जाएगा, दैट इज अ व्यू आई एम हैविंग फॉर श्योर, ठीक है। तो अगर उसके हिसाब से हम देखेंगे, देर आर टू सिनेरियोज दैट कैन हैपन, या तो ये फ्लैट ओपन हो के ऊपर जाए, या फिर डायरेक्ट बहुत बड़ा गैप अप ही ऊपर करे। अगर ये गैप अप करता है ना, या फ्लैट ओपन हो के ऊपर जाता है, दोनों ही केसेस में हमारा सेल ऑन राइज मार्केट है, ठीक है। तो मुझे तो मार्केट सेल ऑन राइज ही दिख रहा है, क्योंकि डेटा के हिसाब से इसके रेजिस्टेंसेस काफ़ी है। बैंक निफ्टी आज थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो कल मंडे में बैंक निफ्टी में ट्रेड लूँगा या नहीं लूँगा गारंटी नहीं है। निफ्टी थोड़ा ज़्यादा क्लियर है कि ट्रेड कैसे लेने हैं, तो हम निफ्टी से चालू करते हैं। तो निफ्टी में वेरी सिंपल है, अपना जो 9050 का जो लेवल था, ये वाला अभी भी उसी लेवल पे खड़ा हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग। और आपकी जो रिवर्स आएगी, अगर ये नीचे कभी आता है, ये लेवल फिर से आपको वापस रिवर्सल ट्रेड देगा। अगर बाई चांस मार्केट कमज़ोर हो भी जाता है, देयर इज लेवल 9000 का हमारा एक लेवल है, ये ब्लैक लेवल है हमारे निफ्टी में, 9050 एंड 9000 के नीचे, वैसे तो 9050 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा, बट बाई चांस आ गया तो 9000 के नीचे मार्केट जाना इम्पॉसिबल है डेटा के हिसाब से। तो ह्यूज 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 सपोर्ट है वहाँ पे, और उधर तो एक्चुअली कॉल राइटर्स है ही नहीं, पुट राइटर्स ही भरे पड़े हुए हैं, देयर आर जीरो कॉल राइटर्स एट 9000 लेवल। तो बहुत क्लियरली बोलता है कि मार्केट के लिए ये एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट है, इट्स ए वेरी वेरी बिग सपोर्ट। बट ठीक है, हम वो लेवल तक भी नहीं जाएंगे, हम 9050 का लेवल लेके चलो, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये तो मतलब सुपर सुपर स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पे आपको एक बाइंग मिलेगी अगर नीचे साइड मार्केट आता है तो, वैसे नीचे में मार्केट देख नहीं रहा है यहाँ तक तो वैसे, बट अगर मार्केट यहाँ आता है तो एक आप ब्लाइंड बाइंग ले सकते हैं, जैसे फ्राइडे को आपने लिया था, आप एक ब्लाइंड बाइंग निफ्टी में दोबारा ले सकते हो, ठीक है। अपर साइड का हम देख लेते हैं, जिसमें मोस्ट ट्रेडिंग कल आपकी होगी। ओके, तो मार्केट की जो रेजिस्टेंस है निफ्टी की, ठीक है, मार्केट की जो पहली जो लेवल आपको चेक करनी है, वो चेक करनी है ये 9170, 30 पॉइंट्स ऊपर जहाँ पे ये क्लोज हुआ है। अगर ये इसके ऊपर क्लोज करता है या ओपन होता है, तो 9170 एंड R1 जो है 9195 के आसपास ले लो। सो 9170 to 200 के ऊपर अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाता है, तो आपको सेल नहीं करनी है मॉर्निंग सेशन में, डू नॉट सेल
इनफैक्ट बाय 8 वॉल्यूम एक बार चेक कर लेना, थोड़े बहुत इंडेक्स रिलायंस और एचडीएफसी के, और आपको बाय करनी है ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स। ये कॉन्फिडेंट बाइंग आप लेके जा सकते हो, रेंज 50-54, ये है ना 60, ये 61 से आपको रिवर्स आएगा मोस्टली, ये जो लेवल मैंने दिया है ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से रिवर्स आ जाएगा। तो अगर निफ्टी कल 9200 के 195 के ऊपर ओपन हो जाता है गैप अप, या फिर 9:30-9:45 तक ये क्रॉस कर लेता है फ्लैट ओपन होके, तो आपको 50 पॉइंट की बाइंग लेनी है, ओनली 50 पॉइंट, ज़्यादा मत लेना ठीक है। ना अगर ये बड़ा गैप अप होता है अराउंड दिस रेंज, ये रेंज 9250 के रेंज में अगर ये गैप अप होता है, तो आप देखना यहाँ से आपको सेल मिलेगा अगेन 50 पॉइंट्स, मिनिमम 50 पॉइंट्स डाउन साइड। निफ्टी का 50 पॉइंट का सेल कल यहीं पे है, यही दोनों रेंज पे, बाइंग में भी है सेलिंग में भी है, ओपन कहाँ पे करता है वो खाली आपको देखना है। मुझे नहीं लगता कल निफ्टी 9300 क्रॉस कर सकता है ठीक है। अगर बाई चांस यहाँ गया भी ना, तो यहाँ पे भी हमारी सेल है, तो एक सेल तो यहाँ पे है 9250 पे, 9300 पे सेल है, और हमारी 9195 के ऊपर बाई है। दिस आर द थ्री सिनेरियोस अपर साइड। डाउन साइड में हमारी अगेन बाइंग 9050 का है ठीक है। सेल का डाउन साइड का मैं कुछ कॉन्फिडेंट दे नहीं सकता, वो आप प्राइस एक्शन देख के आप ले सकते हो। निफ्टी के हमारे सारे ट्रेड ऊपर साइड में ही बनते हैं कल यहाँ से ठीक है ना, मतलब 9100 के ऊपर ही सारे ट्रेड बनते हैं। नीचे साइड हम देखेंगे, एक बाइंग मिलेगी, सेलिंग का नहीं, एक बाइंग है 9050 से। ग्रीन कैंडल अगर बना तो बाई करना, क्योंकि कल जरूरी नहीं है कि ये यहाँ से बाइंग दे, ये नीचे आके भी बाइंग दे सकता है, बट मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि इतना नीचे निफ्टी कल आए। निफ्टी का ट्रेड्स बहुत क्लियर है कल ठीक है। बैंक निफ्टी का जो ट्रेड से थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो शायद मैं ट्रेड कल ना लूँ बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के ब्लैक लेवल में आपको दे देता हूँ, ये है 18,600 and 18,400 तो बहुत रेयर है कि कल आएगा, अनलेस ये 18,640 के नीचे 9:30-9:45 के पहले क्लोज कर दे, तब हम एक सेल ले सकते थे 450 तक ले सकते हैं, अराउंड 200 पॉइंट्स ले सकते हैं, बट वो मोस्टली होगा नहीं मार्केट को देख के जैसे लग रहा है। और अभी रिलायंस का जो न्यूज आया है, उसके बेसिस पे लगता नहीं कि बैंक निफ्टी को इतना गिरने देगा ठीक है। तो बैंक निफ्टी के आपकी एक बाइंग ये रेंज पे होती है ठीक है, आप देख के बाइंग करना, मैं बैंक निफ्टी में मोस्टली कल ट्रेड नहीं करूँगा। तो 18,600 की रेंज से, क्योंकि ये एक स्ट्रांग सपोर्ट है, ये स्ट्रांग सपोर्ट है, काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है डेटा के हिसाब से, तो इट इज़ क्वाइट ए गुड स्ट्रांग सपोर्ट। ये भी है, 500 भी है, 400 भी है, तीनों सपोर्ट तगड़े हैं। तो 600 अगर बाई चांस आता है तो आप एक बार बाई करो, डेफिनेटली बाइंग करो, 100 पॉइंट्स के लिए बाई करो, 200 पॉइंट्स के लिए बाई करो, बट बाई करो इसको यहाँ पे अगर आता है तो, ग्रीन कैंडल दिखता है तो ठीक है। तो ये हमारी कल बैंक निफ्टी की भी सारी ट्रेड शायद ऊपर वाली ही हैं, क्योंकि आपको एक सेल यहाँ पे मिलेगा, ये रेंज जो है R1 के ऊपर 19,000 to 19,050 के रेंज से एक सेल आपको 18,874 तक मिलेगा, दैट मीन्स अराउंड 150 पॉइंट्स है ना, सॉरी 19,050 से 200 पॉइंट्स, अराउंड 200 पॉइंट्स की एक सेल आप बिल्कुल कल ले सकते हो। सेल आपकी यहाँ से आ सकती है, और सेल आपकी कल 19,150 रेंज से भी आ सकती है, दोनों जगह से आ सकती है ठीक है। तो अगर सेल यहाँ पे बैंक निफ्टी में कैसे करना है, अगर आपको करना है, अगर आपको सेल करना है तो ये 9:45 10 बजे तक मिल जाएगा आपको सेल, या फिर मॉर्निंग में ही मिल जाए कि गैप अप यहाँ तक हो जाए और यहीं से रिजेक्शन देना चालू करे, तो आप एक सेल ले लो बिंदास मॉर्निंग में, मतलब 9:20-9:25 के अंदर एक सेल ले सकते हो। अगर ये ऊपर गया, मतलब 19,120 के ऊपर अगर इसने गैप अप कर दिया, तो फिर आप सेल मत करना, आप एक बाई लेके जाओ यहाँ पे 120 से यहाँ तक, ये रेंज तक 320 ठीक है, ये भी 200 पॉइंट की बाइंग है ये वाली। निफ्टी में जो सिनारियो थी वही है,
पर बैंक निफ्टी में लेवल्स कंफ्यूजिंग है। देखो यहाँ पे एक बाइंग तो हम दे रहे हैं, बट यहाँ इसकी एक जो तगड़ा रेजिस्टेंस है वो 19,200 के आसपास एक तगड़ा रेजिस्टेंस है। तो कल मैं बाइंग करने में थोड़ा हिचकिचाऊंगा कि क्या पता ये अगर गैप अप यहाँ पे कर दे और यही रेंज पे लाइक 19,250 के एंड 19,050 यही 200 पॉइंट के रेंज में ही मार्केट कल पहला फर्स्ट सेशन बिता दे, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली ट्रेड बनेगा नहीं आइडियली। तो इसमें बाइंग थोड़ा आप देख के लेना। बट हाँ, अगर यहाँ तक बाई चांस चला जाता है 19,315, जो मेरे को बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो एक आप ब्लाइंड सेल लेगा 100%। 200-300 पॉइंट के लिए आप सेल ले सकते हो ये पॉइंट, अगर गया तो। मुझे नहीं लगता जाएगा क्योंकि कल सेल यहीं पे ही आ जाएगी, 19,200 या फिर 19,000 की रेंज से ही सेल आ जाएगी। ये इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंसेस है, ये भी 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 है। तो ये 200 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी की, ये काफी हेवी रेजिस्टेंस वाला जोन है, ये देखना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कल मार्केट इज सेल ऑन राइज, अगर गैप अप होता है या फ्लैट ओपन जाता है, नीचे आता है तो दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी में सिर्फ एक एक बाइंग है। ब्लैक लेवल्स आप याद रखना, दोबारा बोल देता हूँ, ब्लैक लेवल्स बैंक निफ्टी की 19,200, 19,000 नीचे साइड में, 18,600, 18,400। 600 इज इम्पोर्टेंट, 400 तक जाएगा नहीं। निफ्टी में 9,050 इज स्ट्रॉन्ग एंड 9,000 तो इज सुपर 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 स्ट्रॉन्ग, ठीक है, 9,050 से बाइंग लो। एंड अपर साइड में ब्लैक लेवल इज 9,250 एंड 9,300, ठीक है, दिस आर द ब्लैक लेवल। थैंक यू वेरी मच, और वीडियो लेट बनाने के लिए सॉरी। कल से मैं देखूंगा, अगर फास्ट बना सकूँ जल्दी तो बना लूंगा। थैंक यू वेरी मच, जय माता दी, ओम नमः शिवाय।